नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क का जो हमारा प्री का एग्जाम हुआ है आज के दिन यानी कि 8 दिसंबर को, उसके जितने भी शिफ्ट हुए हैं यानी कि टोटल मिला के 4 शिफ्ट हुए हैं, उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को मैं एनालिसिस देना चाहता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता रहे कि ओवरऑल क्या पूछा गया है, क्योंकि आजकल हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा चेंजेज कर रहा है। तो एक ओवरऑल एनालिसिस देखें ही वही ज़्यादा बेटर रहता है कि हम लोग इंडिविजुअली सारी चीज़ों के ऊपर जाएँ। इससे बेटर है कि हम लोग ओवरऑल एक एनालिसिस लेके एक आइडिया लगा पाएँ कि क्या आ चुका है, क्या आने की और संभावना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं तीनों सब्जेक्ट्स का आप लोगों को एक पूरा पूरा ओवरव्यू दूंगा और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के साथ में इसलिए आप लोग बने रहिएगा अगर आपका आईपीएस कलर का आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी बात करूंगा यहाँ पे, उसके बाद में रीजनिंग की और उसके बाद में इंग्लिश की। तो सबसे पहले मैथ्स में देखो, मैंने जो ये स्लेस लगा के लिखा है ना, इसका मतलब ये कि किन्हीं किन्हीं शिफ्ट के अंदर ये 5 मार्क्स का आया डीआई और कुछ शिफ्ट के अंदर 10 मार्क्स का आ गया, ठीक है। कई शिफ्ट में एक सेट डीआई का आ गया 5 नंबर का, कुछ शिफ्ट के अंदर 2 सेट आ गए। अब इसमें आया क्या क्या, ठीक है, इसमें आपका बार ग्राफ भी आ चुका है, ठीक है, इसमें आपकी टेबल डीआई भी आ चुके हैं, इसमें आपकी कैसलेट डीआई भी आ चुकी है। कैसलेट के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बोला भी, और जो जो मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया ना, जैसे 15 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर आई हुई हैं। इसके अलावा अब आप लोग क्या क्या तैयार करके जा सकते हैं, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये दो चीज़ें भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल डीआई और कैसलेट डीआई, ये 5 चीज़ें आप लोगों को डीआई के अंदर तैयार करके जानी है। इसके बाद में नंबर सीरीज की मैं बात करूँ तो 5 नंबर का ये आया है नंबर सीरीज, इसके अंदर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग वन आउट दोनों ही पूछे गए हैं। कुछ शिफ्ट के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया है और कुछ शिफ्ट के अंदर आप लोगों का रॉन्ग वन आउट पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने नंबर सीरीज के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो वो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं और इनका एक आइडिया ले सकते हैं, रॉन्ग वन आउट का भी और मिसिंग नंबर सीरीज का भी। तो 5 नंबर का आपका मिसिंग नंबर सीरीज आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन आपके 10 नंबर के आ रहे हैं, और मैंने आपको जो पेपर करवाया ना लास्ट ईयर का, उसी टाइप के कुछ सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी जो एक दो दिन पहले वीडियोज़ अपलोड किया है जिसके अंदर पार्ट 2 है शायद मैथमेटिक्स का पेपर, उसके जैसे ही उसमें मैंने 15 सिंप्लीफिकेशन कराए, उसी टाइप के कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं जो कि 10 मार्क्स का है, और ये कंटिन्यूअस है, हर एक शिफ्ट में 10 मार्क्स का ही पूछा जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5/0 का मतलब है कुछ शिफ्ट में जहां पूछा गया वहां पे 5 मार्क्स का पूछा गया, और जहां नहीं पूछा गया वहां बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, यानी कि आपके अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है लाइक प्रॉफिट लॉस में से हो गया, आपका वर्क एंड टाइम में से हो गया, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, इस टाइप के जो भी टॉपिक हैं, एज वाला टॉपिक हो गया, इन सारे टॉपिक्स में से मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे यहां पे जा रहे हैं। तो आपको देखो मेनली फोकस यहां पे एक तो प्रैक्टिस करके जानी या फिर सोच के जाना, एक तो सिंपलीफिकेशन को टारगेट करो, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पक्का टारगेट करो अगर आ जाता है तो, इसके बाद में नंबर सीरीज और उसके बाद में डीआई और लास्ट में आप लोगों का अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको टारगेट करो, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं उनको पहचान के स्किप करने की कोशिश करो, और जो ईजी कैलकुलेटेड क्वेश्चन हैं उनको फटाफट जल्दी पहले करने की कोशिश करो। ऐसा ना हो जाए कि आप लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले पार्ट वाले क्वेश्चन के अंदर फंसे रह जाए और कुछ ईजी क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएं। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर इसके 5 क्वेश्चन आते हैं ना तो आप लोग 2 मिनट के अंदर ही वो 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके लिए मेरा वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छी मेथोडोलॉजी अगर लगाओगे तो 2 मिनट में ही ये 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ऐसे जो कुछ टॉपिक टाइम बचाने वाले होते हैं ना, उनके अंदर सही तरीका लगा के आप लोग टाइम बचाने की पूरी कोशिश किया करो। अब आ जाता हूं मैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में जो मेन मतलब मेन पार्ट आया वो पजल और सिटिंग का आया, कुछ शिफ्ट में लगभग 15 नंबर का आया, कुछ शिफ्ट के अंदर ये 20 नंबर का आया, ठीक है। अब पजल और सिटिंग में क्या क्या आया देखो मैं बोल देता हूँ, आपका फ्लोर पजल आया है, मंथ बेस पजल आया है, ईयर बेस पजल आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पजल की बात, तो कंपैरिजन वाला पजल आएगी, इससे बड़ा है ये, इससे छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, इस तरीके का पजल पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है, तो आने वाले टाइम में आपको स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बॉक्स पजल भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी टाइप के पजल बन सकते हैं, वो तो पजल तो कोई पूछ सकता है, लगभग सारे टाइप के पूछ चुका है, तो उसी टाइप से कुछ आप लोगों के रिपीट होगा, जैसे ईयर बेस दे देगा मंथ बेस की जगह, ठीक है, वीक के अंदर कुछ चीजें करवा लेगा, तो इस टाइप से आप लोगों से कुछ चेंजेस करके यहां पे पूछे जा सकती हैं चीजें। अब बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज कुछ शिफ्ट में आ गया और कुछ शिफ्ट में नहीं आया, आया वहां पे 5 मार्क्स का आया। अगर इनइक्वालिटी आपके आता है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि ये आप लोग 1 मिनट में ही 500 क्वेश्चन कर दोगे अगर आपको मेरा वाला मेथड अच्छे से समझ में आता है तो। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो एक बार देख लीजिएगा इनइक्वालिटीज का, 1 मिनट में ही आप लोग 500 क्वेश्चन
इजीली कर पाएंगे। सिलोक के साथ भी सेम कहानी है, अगर किसी शिफ्ट में नहीं आया वहाँ पे 0 मार्क्स का आया, अगर कहीं पे आ गया तो फिर 5 नंबर का पूरा सेट आया। तो ऐसा नहीं है कुछ छोड़ के चले जाओ, दोनों ही तैयार करके जाने हैं और ये भी 2 से 3 मिनट के अंदर 500 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप सही मेथोडोलॉजी से, चाहे इसकी भी वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। कोडिंग डिकोडिंग एकदम कंसिस्टेंट, हर एक शिफ्ट के अंदर 5 मार्क्स का आ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहाँ पे 5 से 7 मार्क्स के आ रही है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स के आ रहे हैं। ऑर्डर रैंकिंग के 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या नहीं पूछा गया है और क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर। देखो ब्लड रिलेशन अभी शायद आज की किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। डाटा सफिशियंसी जो आजकल नया टॉपिक एक आ जाता है कलर के एग्जाम में, आना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, 99% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि नहीं आएगा, लेकिन जैसे SBI कलर में आ गया था, बाकी सारे एग्जाम्स में आ गया था, उस तरीके से यहाँ पर डाटा सफिशियंसी पूछा जा सकता है। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे करके जाना। डाटा सफिशियंसी जो टॉपिक होता है वो आपका मैथमेटिक्स में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है। डाटा सफिशियंसी में कुछ खास नहीं होता है, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, पजल, इन्हीं के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग, इन्हीं के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन बना देता है वो डाटा सफिशियंसी हो जाते हैं। इधर आपका अर्थमेटिक के ऊपर क्वेश्चन बना देते हैं वो आपके डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसी क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह जाता है उसी में भी अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं सारे के सारे। तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे लेकिन थोड़ा क्वेश्चन देख लेना क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड टाइप के और डाटा सफिशियंसी के, मैंने वीडियोस कराए हुए हैं अभी, मतलब रिसेंटली मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो अगर आ जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है मैथ्स और रीजनिंग का, ये सब्जेक्ट मैं जनरली टैकल करता हूँ तो इसका मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। इंग्लिश वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहूँगा कि एक्चुअली में आ क्या रहा है। RC यानी कि पैसेज जो आ रहा है आप लोगों का, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। एरर के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट के कहीं पर क्वेश्चन आए तो वो 6 क्वेश्चन आए हैं, कहीं पर नहीं आए तो कुछ भी नहीं आया, 0 मार्क्स का आया है। फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पे 5 नंबर क्या है। वर्ड यूज यानी कि कोई भी वर्ड दे देगा उसको किसी सेंटेंस में यूज करवा लेगा, उस टाइप के कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको आप लोग पैराजम्बल भी बोल सकते हैं वहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैच द कॉलम यहाँ पे जहाँ पे आया है वहाँ पे 5 नंबर का आया है, नहीं तो नहीं पूछा गया। मैच द कॉलम एक्चुअली में क्या होता है, जैसे 2 कॉलम अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ ना 9th-10th में, इधर कुछ लिखा होता है इधर कुछ लिखा होता है, दोनों को मैच करना होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इधर कुछ सेंटेंस थे, ठीक है, इधर कुछ सेंटेंस थे, अब इस वाले सेंटेंस के आगे वाला कौन सा हिस्सा होगा वो आप लोगों को मैच करना था। जैसे ए यहाँ पे दे दिया, यहाँ ABCD दे दिया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दे दिया। अब अपन बोल देंगे A 3 से मिल गया, B 2 से मिल गया, C 1 से मिल गया, D 4 से मिल गया, इस तरीके से आप लोगों को मैच द कॉलम यहाँ पे करने थे। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन का यहाँ पे मैच द कॉलम पूछा गया था। तो ये आपको जस्ट एक ओवर आइडिया मैंने इंग्लिश का दे दिया है। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मैंने काफ़ी वीडियोज डाल चुका हूँ, आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, लगभग बहुत ज़्यादा आप गेन कर सकते हो। अभी भी एक दिन अगर किसी का नेक्स्ट वीक में या फिर अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है ना, तो जैसे आपका इनइक्वलिटी का, कोडिंग डिकोडिंग का, सीलोक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस टाइप के टॉपिक एक बार आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो, बाकी स्टूडेंटों ने तो देख रखा है। और अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन कोचिंग की, तो ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कुछ भी ऑनलाइन कोचिंग में करवाए हुए से बाहर नहीं पूछा गया है, यहाँ पे लगभग 99% सारा का सारा वहीं जो भी हम लोगों ने किया था जिस टाइप का उसी टाइप में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसी को भी दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, यूट्यूब पे भी इसमें से लगभग मटेरियल आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आ पाए कि हम आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप लोग अगर कोई सजेशन हो आप लोगों के कि कलर के एग्जाम से रिलेटेड कुछ और आप लोगों को वीडियोज वगैरह चाहिए हमसे, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।